मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी में जो है अब शक्ति प्रदर्शन साबित हो गया है, जो उन्हें अपना पंचन को बताया दी कि शिवराज सिंह चौहान सत्ता के बाद एक बे संगठन में फिर से बड़ी ताकत बनके उभरे हैं। विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जो उन्होंने अपना पंचन को बताया दी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश के दिग्गज नेतन के शक्ति प्रदर्शन हो गया। पिछली बे की तुलना में यह बे पदन की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन फिर बहुत सारे लोग जो हैं शेष रह गए। यदि नंबर गेम के बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है सत्ता के बाद संगठन में एक बे फिर से बाजी मार लीन गए। उनके 6 समर्थकन का प्रदेश कार्यकारिणी में रखा गया है और दूसरे नंबर पर नरोत्तम मिश्रा और तीसरे नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय दुई दुई समर्थकन का जगह दिवाए पाए हैं। महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर केवल एक एक समर्थकन का जगह दे के जो है संतुष्ट कराई पाए हैं। शिवराज सिंह चौहान के करीबी भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा, महिला मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सीमा सिंह का उपाध्यक्ष बनावा गया है, जबकि प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, ललिता यादव, लता बानखेड़े, प्रभुदयाल कुशवाहा जो है मुख्यमंत्री के समर्थक माने जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के करीबी जीतू जिराती और विधायक बहादुर सिंह सोधिया प्रदेश मंत्री बने हैं। नरोत्तम मिश्रा के कोटा मां मुकेश चौधरी का उपाध्यक्ष बना बगा है। हालांकि सांसद संध्या राय का उपाध्यक्ष बनाए जाए कलई के कहा जा अलग है, इनका जो है संगठन खातिर नरोत्तम जो है अपन वीटो लगाए रहे। नरेंद्र सिंह तोमर खास जो है सिगरौली जिला के अध्यक्ष कांत देव सिंह का उपाध्यक्ष बना बगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी ग्वालियर के मदन कुशवाहा का प्रदेश मंत्री बना बगा है। अपना पत्र में बता दी कि मंत्रिमंडल विस्तार में जो ने वरिष्ठ विधायकन की उम्मीद रही कि उस संगठन में कहे कि मंत्रिमंडल में मिली नहीं तब संगठन में उम्मीद रही कि उनका जगह मिली, लेकिन वह नए चेहरन पर भरोसा कीनगा। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला का कार्यकारिणी में नहीं लीनगा, लेकिन उनके करीबी जो है राजेश पांडे का उपाध्यक्ष बनाए दीन गई है। तरह पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, संजय पाठक और अजय बिश्नोई जगह पावे में कामयाब नहीं हो पाया ही। तो निश्चित तौर पर कहन कहो भाजपा में अब अंदरूनी जो है उठापटक के दौर शुरू है। अब देखब यह दिलचस्प हो कि उठापटक का बाहर निकल पावत है या कहन कहो अंदर है या उठापटक का दबाए दिन जाते। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।